इस चित्र की घटनाओं और पात्रों का अतीत तथा वर्तमान की घटनाओं और व्यक्तियों से कोई संबंध नहीं है। ये कथा और इस कथा के सभी पात्र काल्पनिक हैं। कैदियों की लिस्ट तैयार हो गई है। इनमें से 5 को आज रिहा कर दिया जाएगा। इन लोगों का चुनाव मिनिस्टर साहब खुद करेंगे। सुना मोहम्मद भाई, 5 किस्मत वाले आज छूट जाएंगे। अगर वो किस्मत वाले होते तो इस दोजख में आते क्यों? अरे यार, कभी कभी दोजख में भी जन्नत मिल जाती है। हाँ, देखे लॉटरी किसके नाम निकलती है। बातचीत बंद करो, काम शुरू करो। जी वही तो कर रहे हैं। अबे चुप। ये लिस्ट। मिस्टर सहानी, जरा मेरे रूम में आइए। मिस्टर सहानी, ये है 15 कैदियों की लिस्ट। इनमें से 5 कैदियों का चुनाव मिनिस्टर साहब करेंगे। सर, आपने इसमें विजय कुमार का नाम क्यों जोड़ दिया? मिनिस्टर साहब को पसंद नहीं आएगा। मिस्टर सहानी, हमें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर से हुक्म आया था कि अच्छे चाल चलन के 15 कैदियों की लिस्ट बना दो, सो हमने बना दी। अब इनमें से 5 कैदियों का चुनाव मिनिस्टर साहब के हाथ में है। ये सर। सहानी, तुम ये लिस्ट नोटिस बोर्ड पर लगा दो। विके साहब, क्या बात है आनंद? खुशखबरी विके साहब, आपका नाम भी उस लिस्ट में है जिन्हें आज आजाद किया जाएगा। यह सच है वीके साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा, यह सच है। मैंने खुद नोटिस बोर्ड पर पढ़ा है, आपका नाम 15वें नंबर पर है। बाकी आपका भाग्य जाने। नहीं आनंद, मैं इतना भाग्यशाली नहीं हूं। तुम देख लेना, मेरा नंबर कभी नहीं आएगा, और अगर आया भी तो शंकर बाबू और देशबंधु शर्मा मुझे कभी आजाद होने नहीं देंगे। ए, क्या बातें कर रहे हो? मिनिस्टर साहब के आने का वक्त हो गया है, जल्दी चलो।
की, शंकर बाबू की, देश बंधु शर्मा जी की, भारत माता की। इस साल के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होके आप सब लोगों से मिलने आए हुए माननीय केंद्रीय मंत्री श्री शंकर बाबू और जनसेवा पार्टी के सचिव श्री देशबंधु शर्मा जी का आप सबकी ओर से और अपनी ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मिठाइयां बांटने के बाद माननीय मंत्री महोदय 5 कैदियों के नाम लॉटरी में निकालेंगे और उन्हें आजाद कर दिया जाएगा। प्लीज कम सर। ए, अपना दायना हाथ आगे करो। सुना नहीं? अपना दाहिना हाथ आगे करो। सर, विजय का दाहिना हाथ बेकार है। मुझे मालूम है। बहरे हो क्या? हमने कहा अपना दाहिना हाथ आगे करो। कितनी तस्वीरें बनाई हैं इस हाथ ने, कितने लेख लिखे हैं इस हाथ ने। मुझे तुम्हारा वही हाथ चाहिए जिसने कलम की नोक को तलवार की तेज धार में बदल दिया था। ए, तुम्हारा यही दाहिना हाथ चाहिए मुझे। जाओ अपनी कोठरी में जाओ। लेख लिखे हैं इस हाथ ने। मुझे तुम्हारा वही हाथ चाहिए जिसने कलम की नोक को तलवार की तेज धार में बदल दिया था। नंबर 1 खुर्शीद अहमद। नंबर 2 सीके चोपड़ा। नंबर 3 आर मिश्रा। नंबर 4 रंजीत सिंह।
फिफ्थ एंड फाइनल। रतन सिंह, नहीं नहीं, यह न्याय है, यह नाइंसाफी है, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानता, यह बेईमानी है। लॉटरी वीके साहब के नाम निकली है, वीके साहब को छोड़ दो, मैं बिल्कुल नहीं मानता, यह बेईमानी है, यह बेईमानी है, मैं कहता हूं छोड़ दो वीके साहब को, छोड़ दो वीके साहब को, लॉटरी वीके साहब के नाम निकली है, मैं कहता हूं चाहे मेरी जान चले चली जाए, मैं यह कुछ नहीं होने दूंगा, छोड़ दो वीके साहब को। इन पांच कैदियों को छोड़ दिया जाए। अनंत, तुम्हें मेरे लिए शहीद होने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि वो लोग मुझे छूटने नहीं देंगे। सजा खत्म होने के बाद भी किसी नए इल्जाम में फंसा देंगे। कोई बात नहीं वीके साहब, किसी ना किसी दिन मैं जेल से छूटूंगा ही, तब देख लूंगा सालों को। वीके साहब, मैं किसी से नहीं डरता। कत्ल करना तो मेरे लिए चोरी से भी कहीं आसान है। ये लीजिए भाईजान। क्या है ये? तेल, बर्फीले भालू का तेल, सीवर वाले कश्मीरी का है, दर्द के लिए A1। सीधे से मांगा तो दे ही नहीं रहा था साला, तो दिखा दी हमने हाथ की सफाई। लेकिन ये भालू का तेल किस लिए? मेरे जख्मों पर रीच के बाल उगाने के लिए? देखो, तुम लोग अपने अपने सेल में जाओ, कहीं पुलिस वालों ने देख लिया तो तुम्हारी धुलाई हो जाएगी। ए, कौन है वहां? क्या वे? हाँ? ये क्या खुसर फुसर लगा रखी है? कुछ नहीं साहब। ए, जान फट। क्यों बे अनंत, अब कैसा लग रहा है? इतना काफी है और चाहिए? बड़ा जोशीला बन रहा था। क्या बात है वीके साहब, आप अचानक उदास हो गए? मुझे तो एक ही बात का दुख है कि किसी गणतंत्र दिवस पर या गांधी जयंती पर शायद मेरे नाम की लॉटरी निकल आए और मैं रिहा हो जाऊं। इसी उम्मीद के साथ कोई बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा। मरिया, मरिया फर्नांडिस, वो आज भी मेरा इंतजार कर रही होगी। हेलो, वही है। हेलो, मिस मारिया फर्नांडिस? जी हाँ। आज तुमने डांस स्कूल बहुत जल्दी शुरू कर दिया। कौन बोल रहा है? तुम्हारा चाहने वाला। नहीं समझी? ठीक से याद दिलाता हूँ, कल 26 जनवरी पर तुमने 16 सिंगार करके अपने पिया का इंतजार किया था ना, मतलब उस हराम जादे का, द ग्रेट कार्टूनिस्ट कम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिस्टर विजय कुमार वीके। शंकर, शंकर बाबू कहो। हेलो मारिया, पहचाना? देशबंधु शर्मा। वैसे कल लॉटरी में उसका नसीब तो खुल गया था,
लेकिन शंकर ने उसकी रिहाई पर फिर से ढक्कन लगा दिया। मारिया, तुम्हारा वीके महज रद्दी के कागज का एक टुकड़ा है, जिसे जिंदगी की किताब से फाड़कर मैंने कूड़े की टोकरी में डाल दिया है। अब उस लूले लंगड़े के पास रखा ही क्या है, हम लोग है ना तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे हाथ भी चलते हैं और पैर भी चलते हैं। सुखी हो जाओगी शर्मा। बोलो डार्लिंग। बोलिए बोलिए ना। अरे तुम गई नहीं अभी तक? बताइए ना, मेरे डांस स्कूल के बारे में क्या सोचा आपने? प्लीज एक बार चलकर देख लीजिए, फिर जो सही लगे वो ही छापिए। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं, क्या उम्र होगी तुम्हारी? यही कोई 22 साल। सिर्फ 22? लेकिन तुम देखने में तो 28-30 की लगती हो। नहीं समझी ना। देखो मरिया, तुम एक करोड़पति बाप की बेटी हो, किसी करोड़पति से शादी करके बच्चे बच्चे पैदा करने का धंधा शुरू करो। कहाँ ये कला वाला के चक्कर में पड़कर डांसिंग स्कूल चला रही हो? आपकी राय पर फुर्सत से गौर करूंगी। पहले ये बताइए, अपने अखबार में आप मेरे स्कूल के बारे में लेख छापेंगे या नहीं? लेकिन छापने जैसी कोई चीज हो तब ना। देखिए, केरला की एक लड़की अपने आदर्शों के लिए दिल्ली में रहकर क्लासिकल डांस का एक स्कूल चलाती है, ये बड़ी बात नहीं क्या छापने के लिए? और फिर अगर इस काम में थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। फिर तो तुमने मुझे बिल्कुल ही गलत समझा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, तुम्हें हजारों मिल जाएंगे कलम के सौदागर। थोड़ी सी शराब, थोड़ा सा शबाब और थोड़ा सा हरे नोटों का कबाब पाकर वो हर पेपर में ये साबित कर देंगे कि भरतनाट्यम भरत मुनि से नहीं बल्कि मिस मरिया फर्नांडिस से शुरू हुआ था। लेकिन एक बात बताइए, ये भरतनाट्यम का क्रिश्चियन लेडी से क्या मेल है? क्यों, क्रिश्चियन लड़की का भरतनाट्यम से मेल नहीं हो सकता? बोलिए बोलिए जवाब दीजिए। उफ, एक मिनट। ये लो तुम्हारी तस्वीर। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकती। क्यों? विदेशों से डांस का कोई थर्ड क्लास ट्रूप भी आ जाए तो आप लोग तारीफों के पुल बांध देते हैं, लेकिन अपने देश के कलाकारों को फूटी आंख नहीं देखते। ये नाइंसाफी है कि नहीं? मरिया तुम हो तो जनानी लेकिन बातें बहुत मर्दानी करती। लगता है आप मुझसे तंग आ गए हैं। जी ठीक है, अब मैं आपको देख लूंगी। कल मैं भरतनाट्यम की ड्रेस पहनकर आपके ऑफिस में सबके सामने तब तक नाचूंगी जब तक आप मेरी मांग स्वीकार नहीं कर लेते। आई एम सॉरी। अरे वाह, बहुत खूबसूरत तस्वीर है भैया। उमा, ये मिस मरिया है, दिल्ली में बहुत बड़ा डांस स्कूल चलाती है। ये मेरी छोटी बहन उमा है, ये पत्रकार बनने का कोर्स कर रही है। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। भैया
हम कुछ नहीं समझते। अच्छा अब हम जाते हैं अपने रास्ते। मेरी बात सुन, तुझे आइसक्रीम खानी है ना, ठहर मैं पैसे लेकर आता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, लेकिन फिर आइएगा जरूर, तशरीफ लाइएगा हुजूर। भैया ये क्या चक्कर है? अरे बदमाश, ये ले चलो। आप मारिया को बहुत चाहते थे क्या? आप मारिया को सचमुच बहुत चाहते थे? नहीं, उमा की देखभाल के अलावा मुझे सिर्फ पढ़ाई लिखाई से प्यार था, और फिर शादी की उम्र निकल जाने के बाद शादी करना, वो भी किसी कलाकार के साथ, और फिर उसका दुम छल्ला बनकर उसके पीछे पीछे घूमना। नहीं आनंद, मुझे ऐसी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देशबंधु शर्मा और शंकर बाबू को कब से जानते हैं आप? काफी दिनों से। शंकर बाबू इन दिनों लोकसभा का मेंबर था, और देशबंधु जनसेवा पार्टी की रामपुर शाखा का अध्यक्ष। शंकर ने अपनी छवि काफी साफ सुथरी बना रखी थी। शराब का विरोधी, सती प्रथा का विरोधी, सामाजिक बुराइयों का विरोधी, लेकिन मुझे हमेशा उस पर शक था। वो भेड़ की खाल में छुपा हुआ भेड़िया था। एक बार मैंने शंकर के खिलाफ सबूत के साथ घुस खाने का लेख लिखा था। उस लाखों करोड़ों के मामले में देशबंधु शर्मा भी शामिल था। दोनों जल भुनकर दिल्ली आए, मुझे मिलने के लिए बुलाया, मैं नहीं किया। उन्होंने मेरे संपादक से शिकायत की। उन दिनों मैं नवभारत समाचार का उप संपादक था। विके, तुम शंकर बाबू और देशबंधु जी से मिलने क्यों नहीं गए? मुझे उनसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम कैसी बातें कर रहे हो, जानते नहीं वो लोग कितने शक्तिशाली हैं? तुम जानबूझकर उनसे दुश्मनी मोल रहे हो। एडिटर साहब, सच्चाई और ईमानदारी मेरे सगे भाई हैं, और कलम मेरी माँ है। अगर आपको अपनी कुर्सी खतरे में लगती हो तो किसी ऐसे को उन खरीदारों के पास भेज दीजिए जो अपनी माँ का सौदा करता हो। विके, विके भैया, मारिया आपको कैसी लगती है? क्यों? बहुत अच्छी लड़की है। लड़की? 30 साल की बुढ़िया है। तुम भी तो 35 साल के बूढ़े हो। मारिया तो मुश्किल से 22-23 की है। लगता है उसने घूस में तुम्हें आइसक्रीम खिलाई है। घूस वो खाता है जो झूठ बोलता है। सच्चाई ये है कि मारिया बहुत ही अच्छी लड़की है, सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी। वो आपकी इज्जत भी बहुत करती है। भैया आजकल अच्छी लड़कियों की बहुत महंगाई है। एक आइसक्रीम के लिए इतनी तारीफ काफी है, चलो बैठो। हाय मारिया, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। हम लोग तुम्हारे बारे में ही बातचीत कर रहे थे। मैं नहीं, उमा तुम्हारी बात चला रही थी। मेरी बात तो ऐसी है जो चलाए नहीं चलती। खैर विके, एक खुशखबरी है, कल तुम सारा काम काज छोड़कर सेंट्रल होटल आ सकते हो। क्यों, क्या तुमने भरतनाट्यम छोड़कर कैबरे करना शुरू कर दिया? ये क्या भैया, मिस मारिया फर्नांडिस को केरला की तरफ से रिपब्लिक डे पे भरतनाट्यम पेश करना है। क्या ये सच है मारिया? बिल्कुल, शंकर बाबू एमपी और देशबंधु शर्मा जी ने मुझे खुद चुना है। बधाई हो। मुझे रिपब्लिक डे परेड के 50 पास भिजवा देना, मैं अपनी सारी सहेलियों को लाऊंगी, और जब तुम्हारा प्रोग्राम होगा तो खूब तालियां बजाऊंगी। ठीक है, मैं भिजवा दूंगी। वीके, कल सुबह तुम सेंट्रल होटल आ रहे हो ना, मैं चाहती हूँ सब लोगों को ये मालूम हो जाए कि दिल्ली में भी मुझ पर कोई हाथ रखने वाला है, मेरा सपोर्टर है। सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे बहुत जरूरी काम है। चलो मां, अंदर बैठो। सुनो मारिया, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, भैया को वहां भेजने की जिम्मेदारी मेरी। अच्छा मारिया, मारिया मैं तो यही कहूंगा कि तुम भी सेंटर मत जाओ, वो लग अच्छे नहीं है। भैया पता नहीं आपको क्या हो गया है, खबरों की सच्चाई ढूंढते ढूंढते आपको हर आदमी झूठा लगने लगा है। विक्की, अच्छे लोग और बुरे लोग तो हर जगह हैं, लेकिन इतना अच्छा मौका बार बार नहीं मिलेगा। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया,
आगे तुम्हारी मर्जी। मारिया तुम्हें जरूर जाना चाहिए, ऑल द बेस्ट। Cheers. एक मिनट। गुड मॉर्निंग। हेलो मरिया। आइए बैठिए। मैंने सोचा था आप आएंगे ही नहीं। अच्छा अच्छा, तो मारिया ने तुम्हें बुलाया है। इसका मतलब यह है कि अगर तुम बुलाए जाओ तो आ जाते हो। लेकिन बुलाने वाले में दम होना चाहिए शर्मा जी। बिल्कुल, जब इन्हें कोई खास आदमी खास मौके पर बुलाता है तो ये तो कच्चे धागे से बंधे चले आते हैं। लो पियो। नो थैंक्स। अरे काय का थैंक्स, जब हम जैसे नामदारी नेताओं ने देश की समस्याओं पर विचार करने के लिए तुम्हें बुलाया तो तुम नहीं आए, लेकिन जब इस नाचने वाली ने बुलाया तो फौरन दौड़े चले आए। आप समझे नहीं शर्मा जी, ये जांच पड़ताल करने आए हैं। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है ना, इसलिए इन्हें चोरों की तरह ताक झांक करनी पड़ती है। प्लीज रुकिए, वीके को मैंने बुलवाया है, क्यों कर रहे हैं आप इनकी बेइज्जती? बेइज्जती? कैसी बेइज्जती? हम लोग तो मजाक कर रहे थे। प्लीज सिट डाउन वीके। सॉरी, गलती मेरी है, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। प्लीज कैरी ऑन। वीके, वीके, वीके। केरला का फूड नजर नहीं आ रहा है। मैं अभी पता लगा के आती हूँ।
केरला से कोई फ्लॉट नहीं आया। मरिया कहाँ है? सभी लोग हैं, लेकिन न मारिया है, न देशबंधु शर्मा और न शंकर बाबू। देशबंधु जी, शंकर बाबू कहाँ हैं? उनका सेंटर होटल से फोन आया था, अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से नहीं आ पाएंगे। शायद इस बात से दुखी हैं, केरला का फ्लोट नामंजूर हो गया है। उमा, उमा, तुम टैक्सी लेकर घर जाओ। और तुम कहाँ जा रहे हो भैया? मैं लौटकर बताऊंगा। मरिया, मरिया अभी तक बेहोश। भगवान भला करे विजय का, जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया। कहाँ हैं देशबंधु और शंकर बाबू? अपना मुंह काला करके छुप गए होंगे। इट्स इम्पॉसिबल। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यह मामला ऐसा संगीन है कि इसे छापने से सारे देश में राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है। कल ही हमारा अखबार बंद हो सकता है। अगर सच्ची खबर छापने से हमारा अखबार बंद हो जाता है तो सच में हमारे अखबार को बंद हो जाना चाहिए, ताला लग जाना चाहिए। तुम कुछ भी कहो, यह खबर मैं नहीं छाप सकता। ठीक है, मैं ये खबर दूसरे अखबार में छपाऊंगा। वीके, यह गलती मत करना, जरा सोचो उस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी। आप अपने इस दो कौड़ी के अखबार की फिक्र कीजिए, अगर यह खबर छपने से इस लड़की की जिंदगी खराब हो जाएगी तो मैं इस लड़की से शादी करूंगा। वीके, ये क्या कह रहे हो? यस, आई एम गोइंग टू मैरी हर। बदतमीजी है, इसको गिरफ्तार करो। अरेस्ट क्विक। ये सब क्या हो रहा है? हां गिरफ्तार करो। आप गाड़ी छोड़ो, मुझे आप लोग कहां लेके जा रहे हो? ये जबरदस्ती है, छोड़ो। मैं कहां लेके जा रहे हैं? मेरा कसूर क्या है बताइए पहले। सर साहब के खिलाफ तो जरूर शिकायत लेकर जाते आप लोग। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूं छोड़ो छोड़ो, कहां लेके जा रहे हैं आप? ये इसकी जेब से मिला है।
मिस्टर फर्नांडिस, आप हमें माफ कर दीजिएगा, ये गलती तो हमसे हो गई। अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो हमारा राजनीतिक जीवन तो खत्म हो ही जाएगा, पर ये बिचारी तो लड़की है, इसके भविष्य का क्या होगा? वैसे भी डॉक्टरों की राय में अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मारिया खतरे से बाहर है। आप तो इसे लेकर फौरन यहां से चले जाइए, क्योंकि आप लोगों का यहां रहना लोगों के दिलों में शक पैदा कर सकता है। मिस्टर फर्नांडिस, हमें माफ कर दीजिए, समझ लीजिए हम हाथ जोड़कर नहीं बल्कि पैर छूकर माफी मांग रहे हैं। सब जानते हैं कि पुलिस हमारी नौकर है, कानून का हर दरवाजा हमारे घर से खुलता है और हमारे ही घर में बंद हो जाता है, इसलिए बेहतर यही है कि आप हमारी बात मान लें, वरना मारिया के साथ साथ हम इस हादसे का हर नामो निशान मिटा देंगे। ये लो दो टिकट, कल सुबह के फ्लाइट से तुम दोनों त्रिवेंद्रम वापस चले जाओ, नहीं तो इस आदमी ने जो कुछ कहा है सब झूठ है। इसका धंधा मेरे अखबार में काम करना नहीं बल्कि समाज के इज्जतदार लोगों पर कीचड़ उछालना है। कई बार मैंने इसे नौकरी से निकालने की कोशिश की लेकिन हर बार इसने मुझसे माफी मांग ली। अच्छा ये बताइए, विजय कुमार पागल था या नहीं? जी हाँ ये पागल था, तभी तो रोज ऑफिस में हल्ला दंगा करता था, मेज कुर्सियां तोड़ता था और हर आने जाने वाले से हाथापाई करता था। Well, that's all your honor. जी हाँ, मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसने विजय कुमार का इलाज किया था। विजय कुमार की दिमागी हालत पूरी तरह से खराब है, ये रही उसकी ट्रीटमेंट रिपोर्ट। इसे किस तरह की दिमागी बीमारी थी? अंग्रेजी में इसको स्किज़ोफ्रेनिक कहते हैं, मतलब इस बीमारी में मरीज को वो सब दिखाई देता है जो हकीकत में नहीं होता। That's all your honor. Your honor, his statements are wrong. All are blatant lies. There is absolutely no relationship between my daughter and him. No one has done any harm to her. She is under treatment in a Kerala hospital after road mishap. This fellow is mad. मिस्टर अग्रवाल, ये काम तो आपको करना ही होगा, यू हैव टू डू इट। माफ कीजिए, मैं ये काम नहीं कर सकता। सब अच्छी तरह जानते हैं कि विजय कुमार बेकसूर है, सॉरी मैं अपनी आत्मा के खिलाफ नहीं जा सकता। शंकर, साला बड़ी आत्मा वाला बन रहा है, मैं जानता हूं इसे बहुत बड़ा रिश्वतखोर है, खरीद दो साले को, और अगर प्रमोशन मांगता है तो वो भी दे दो। मैं चाहता हूं कि विजय कुमार कम से कम 5 साल जेल के जहन्नुम में सड़ता रहे। जी सरकारी वकील ने, तमाम गवाहों के बयानात ने और डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स ने यह बात बिना किसी शक के साबित कर दी है कि मुलजिम विजय कुमार अपराधी है, इसलिए यह अदालत इसे 5 साल की बामुशक्कत सजा देती है। मुजरिम विजय कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए सजा के पहले 2 साल इसे पागल खाने में गुजारने होंगे। No! I am not mad! मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, I am not mad! I am not mad! मैं पागल नहीं हूं।
अदालत के हुक्म के मुताबिक उन लोगों ने मुझे पागलखाने भेज दिया। मारिया के पिता मिस्टर फर्नांडिस दिल के मरीज थे, वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सके और उनकी मौत हो गई। जिस दिन मुझे अस्पताल से जेल ले जाया गया उस दिन मारिया आई थी। जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से, प्यार मोहब्बत का झूठा नाटक करके तुमने मेरे भैया को इस हाल में पहुंचा दिया। अब उनकी जान बाकी है, चाहो तो वो भी ले लो। कह दो लोगों से कि मेरे भैया को जान से मार दे, इस लूली लंगड़ी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मैंने बोला ना मरिया के डैडी की उस हादसे के बाद मृत्यु हो गई। केरल में मरिया का अपना कोई नहीं था, इसलिए वो अपनी लाखों की जायदाद बेचकर वापस दिल्ली आ गई। जब से उमा ने मरिया को मेरे दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराया तब से मरिया मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, लेकिन जब मेरी चाह मरिया के लिए चाहत में बदल रही थी मैं जेल की सलाखों के अंदर आ गया और वो बाहर वीरान दुनिया में अकेली रह गई। आज भी उमा मरिया से बहुत नफरत करती है, जबकि मरिया ने उमा को यूएनआई में नौकरी दिलवाई है, लेकिन मेरी भोली वाली बहन इस बात को नहीं जानती। मरिया को आज भी मेरे आजाद होने का इंतजार है, उसे मुझ पर एक अजीब किस्म का यकीन है। उसका यह विश्वास मेरे लिए प्रार्थना की तरह पवित्र है। वीके साहब, जब प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं तो आशीर्वाद नीचे आता है। अल्लाह के फजल से अब सिर्फ 5 महीने रह गए आपको हम लोगों से बिछड़ने के लिए। वीके साहब, जेल से आजाद होने के बाद आप क्या करेंगे? क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु, नटराज विष्णु। व्हाट इज द चार्ज शीट? 1,00,000 रुपए के लिए 5 आदमियों को एक साथ मार डाला। क्या ये सच है? हाँ, मगर 1,00,000 के लिए नहीं, 5,00,000 के लिए। प्रोसिक्यूशन को गलती हो गई। विष्णु, कौन?
विष्णु जिसने 5 आदमियों को एक साथ कत्ल कर दिया। माशाल्लाह, अरे जरा उसके मसल तो देखो, औलाद के बने लगते हैं। हम लोग तो उसके सामने बिल्कुल मच्छर है मच्छर, क्यों जाने। अच्छा साहब, वणक्कम सर, आप और यहां। हाँ विष्णु। आदाब विष्णु भाई, मेरा नाम मोहम्मद है, ये अनंत और ये जॉनी, कुल मिलाकर 4। चुप रहे साला, चल आंखें क्या दिखाता है यार। अब सिर्फ 30 दिन बाकी रह गए हैं। 31वें दिन की सुबह उसे फांसी का फंदा। वीके, तुमसे कोई मिलने आया है? मारिया, मेरे आने की उम्मीद नहीं थी ना आपको? नहीं, मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। हां मरिया, ये क्या है? कहना तो बहुत कुछ है मुझे, लेकिन शायद आपके सामने कह ना पाऊं, इसलिए इस खत में मैंने सब कुछ लिख दिया है। लीजिए, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी। दिन आप रिहा किए जाएंगे, मैं जेल के बाहर आपका इंतजार करूंगी। न्यू डेली डायरी, अखबार का नाम तो बहुत ही अच्छा है, कसम पैदा करने वाले की बहुत जोरों से चलेगा। नए अखबार को चलाना इतना आसान काम नहीं है जैसे कि तुम लोग और मरिया समझते हो। हर अखबार एक ऐसी आदत की तरह है जिसे आसानी से छुड़ाया नहीं जा सकता। जो लोग टाइम्स पढ़ते हैं वो लोग वही पढ़ेंगे, जो लोग एक्सप्रेस पढ़ते हैं वो लोग वही। ये तो टाटा और बिरला के बस की बात भी नहीं कि किसी नए अखबार को कामयाब बना सकें। मैं नहीं मानता सर, इन हालात में आपको ऐसा लग रहा है, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम अखबार के बारे में क्या जानते हो? मैं भला क्या जानूं, कुछ भी नहीं। हां चोरी करना जानता हूं, डाका डालना जानता हूं, जरूरत पड़े तो खून करना भी जानता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको जानता हूं। सर, शंकर बाबू और देशबंधु शर्मा जिन्होंने झूठी गवाहियां दिलवाई, जस्टिस अग्रवाल के जरिए आपको सजा दिलवाई, तरह तरह की यातनाएं दिलवाई, क्या आप इनके खिलाफ एक महान शक्ति बनना नहीं चाहेंगे? अगर आप घर वापस चले गए तो क्या कर पाएंगे ये सब? और यहां रहकर भी एक मामूली रिपोर्टर की हैसियत से कर पाएंगे ये सब?
वीके, आप किसी के नीचे रहकर नौकरी नहीं कर सकते, इसलिए न्यू दिल्ली डायरी के मालिक बन जाइए। आप ये समझ लीजिए कि मैं ये रुपया आपको उधार दे रही हूँ। जब आमदनी होने लगी तो धीरे धीरे मुझे लौटा दीजिएगा, लेकिन ये मत कहिएगा कि आप ये नहीं कर पाएंगे। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जिम्मेदार मैं अपने आप को मानती हूँ। कम से कम एक मौका तो मुझे दीजिए अपने पाप का प्रायश्चित करने का, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर। कांग्रेचुलेशन वीके, मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम आजाद किए जा रहे हो। शरीर कैद था सर, ख्यालात नहीं। वीके जी, जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। हुसैन साहब, आप जैसा अफसर और नेक इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मैं आपको हमेशा याद रखूंगा। एक बात कहूं वीके, खुदा की चक्की बहुत धीमी पीसती है, लेकिन इतना बारीक पीसती है कि उसमें बड़ी बड़ी हस्तियां बगैर आवाज के पिस जाती हैं। खुदा तुम्हारे सब्र का फल तुम्हें जरूर देगा। देख लेना वीके, इंशाल्लाह एक दिन तुम बहुत बड़े आदमी बनोगे, बहुत बड़े आदमी। ये मेरी दुआ है। थैंक यू सर। वीके साहब। हाँ मोहम्मद, मुझे याद है, हर महीने 500 रुपए तुम्हारी अम्मी को पहुंच जाया करेंगे। शुक्रिया। जॉनी, मैं चलता हूं। बेस्ट ऑफ लक अनंत। अगर किस्मत ने वाकई मेरा साथ दिया तो जिंदगी में हम बराबर के हिस्सेदार होंगे। सर, बीच बीच में हमसे मिलने जरूर आइएगा, मतलब जब कभी वक्त मिले। वक्त मिले अपने भाइयों से मिलने के लिए मैं वक्त पैदा करूंगा। अनंत, विष्णु से कहना के जाते वक्त मैंने उसे भी याद किया था। जी। Thank you.
भैया भैया ये सुरेश हैं, मेरे साथ यूएनआई में थे। हेलो सर, दिस इज माय बायोडाटा। तुम कब से काम पर आ सकते हो? सर आज से ही, बल्कि अभी से। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। लीजिए अब पूरे समाचार सुनिए। मुख्य चुनाव अधिकारी ने आज पत्रकारों को बताया कि जून में विधानसभा की 5 साल की अवधि पूरी होने से कुछ दिन पहले ही चुनाव होंगे। दिल्ली सेशन कोर्ट के माननीय जज श्री अग्रवाल को भारत की ओर से अमेरिका में नया राजदूत नियुक्त किया गया है। I am extremely honored and thankful as this distinguished post has been conferred upon me. As a dutiful citizen of India, I will do my best and fulfill my duty towards my country. श्री अग्रवाल अगले महीने की 7 तारीख को वॉशिंगटन में अपना नया पद संभालेंगे। अखबार को शुरू करने में अब किस बात की देर है? सब कुछ तो तैयार है। क्या तैयार है? तमाम मशहूर लोगों के इंटरव्यू लिए जा चुके हैं, मसलन जस्टिस अग्रवाल का इंटरव्यू जो अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं, और मशहूर कातिल विष्णु का इंटरव्यू जो एक सनसनीखेज। मैं देख चुका हूं, लेकिन अखबार बेचना कोई आसान काम नहीं है। ऐसी खबरें तो रोज ही छपती रहती हैं, लेकिन हमें एक ऐसी खबर चाहिए जो तहलका मचा दे, कोई ऐसी खबर जिसे पढ़कर लोगों के होश उड़ जाएं, ऐसी खबर जो सिर्फ हमारे अखबार में छपे और कहीं नहीं। लेकिन ये काम तो नामुमकिन है। एग्जैक्टली, इसीलिए इस काम पर मैंने एक नए रिपोर्टर विश्वनाथ को लगाया है। विश्वनाथ? ये विश्वनाथ कौन है? विश्वनाथ का नाम तो पहले कभी नहीं सुना। वो न्यू दिल्ली डायरी का टॉप सीक्रेट रिपोर्टर है। लेकिन ये विश्वनाथ कब भेजेगा वो खबर जो तहलका मचा दे? और तब तक क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? विश्वनाथ पर भरोसा रखो, वो कोई मामूली रिपोर्टर नहीं, वो तो बहुत बड़ा जादूगर है। हमें उसी का इंतजार है। जब तक वो खबर नहीं भेजता, हम अखबार नहीं शुरू करेंगे। अच्छा भैया, बहुत रात हो गई, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं भी चलती हूँ। गुड नाइट। एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या है, जस्टिस अग्रवाल, है ना? मेरे मन में क्या है ये तो मेरे मन को भी नहीं मालूम। हाँ, शायद विश्वनाथ को मालूम हो, और जो कुछ भी तुम्हारे मन में है उसे अपने मन में रखो जब तक मैं न पूछूं। वीके साहब, क्या हालचाल है? अखबार शुरू हो गया? नहीं आनंद, अभी नहीं। जॉनी मोहम्मद तुम्हारे जेल से बाहर आने के बाद ही शुरू होगा। लेकिन उसमें तो अभी बहुत टाइम है। नहीं अनंत, वक्त आ गया है। कल तुम तीनों जेल से फरार हो जाओगे, और साथ में विष्णु भी। विष्णु? हाँ विष्णु, मंगलवार को उसको फांसी लगने जा रही है, लेकिन उससे पहले तुम जेल से फरार हो जाओगे। लेकिन कैसे? विष्णु पर तो सख्त पैरा है। ये रहा यहां से फरार होने का प्लान। बाहर आकर हम लोगों को क्या करना है? सब कुछ इस प्लान में लिखा है अनंत, सबका ख्याल रखना। गुड लक। जी। आज से आप लोगों को 24 घंटे काम करना है, हर वक्त चुस्त और मुस्तैद रहना है। हमारे अखबार का पहला संस्करण किसी वक्त भी आ सकता है। मिस्टर शर्मा। यस सर। ये बात सारे स्टाफ को समझा दीजिए। सुरेश। यस सर। पहले संस्करण का सारा मैटर तैयार रखो,
सिवाय पहले पन्ने को छोड़कर जस्टिस अग्रवाल और विष्णु का इंटरव्यू भी तैयार रखना, वो काफी दिलचस्प है। अब हमें कोई सनसनीखेज खबर मिले ना मिले, हमारे अखबार का निकलना बहुत जरूरी है, इसी हफ्ते किसी भी दिन, वो शुभ दिन आ सकता है। सर, एंथोनी, अनवर, राम सिंह, माखन, यादव, राणा, मोहम्मद खान। अनंत ने इतनी देर क्यों लगा दी? इसमें कोई नहीं है साहब। वो तो इधर ही आ रहा है, अब आनंद को कैसे बुलाएं? सुंदर, भीखू, श्यामू, माइकल, या परवर्तिकार, आज हम लोग तो फंसी गए। जॉनी, मोहम्मद, ए, ए, दोनों इधर आओ, आओ। अनंत कहाँ है? कहाँ है? बोलो अनंत कहाँ है? बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते? बहुत साले अनंत कहाँ है? अनंत, हाँ। ए, ए, कहां गया था? कहां गया था? बोल, कहां गया था? चल जा। कोई नहीं है क्या? फॉरेन प्रेस में भिजवा दो, आज हमारे अखबार का पहला संस्करण निकलने वाला है। सुना नहीं तुमने? देख क्या रही हो?
लेकिन पहला पन्ना तो अभी तक तैयार नहीं है। पहला पन्ना एक घंटे में तैयार हो जाएगा। हरी अप। हो रही गाड़ी। लेकिन अभी तक पहला पन्ना नहीं आया। अब कब सेटिंग होगी और कब प्रिंटिंग? मुझे तो नहीं लगता कि आज अखबार निकल पाएगा। वी क्या आ रहे हैं? ये रहा पहला पन्ना। छपने के लिए जल्दी भिजवा दो। Thank you.
विके, विके, यह है न्यू दिल्ली डायरी की पहली कॉपी। पहले एडिशन की छपाई खत्म हो गई है। एजेंट बहुत शोर मचा रहे हैं। आप कहें तो बिक्री शुरू कर दी जाए? नहीं मरिया, आज का अखबार फ्री है। लेकिन एजेंट्स का क्या होगा? उन्हें कमीशन हम देंगे। सुबह जब दिल्ली वाले सोकर उठें, तो हमारे अखबार की तहलका मचा देने वाली खबरें उनका स्वागत करें। तुम फौरन अखबार के बंडल भिजवाना शुरू करो। जी। आपकी समस्या है? हाँ जी साहब। भेज दो। आप फिक्र मत कीजिए सिंघानिया साहब, आपकी सेवा करना तो हमारा काम है। समझ लिए, काम हो गया। थैंक यू। सुनिए, चुनाव फंड के लिए 10 लाख रुपया भेज दीजिएगा। जरूर। नमस्ते। नमस्ते। हम लोग न्यू दिल्ली डायरी से आए। अच्छा अच्छा अच्छा, वीके ने भेजा है? जी, मैं उनकी बहन हूँ। ओ, वीके की बहन हो? आओ बैठते हैं। तो तुम भी अपने भाई की तरह पत्रकार हो? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शंकर बाबू, कुछ समझे आप? हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपका परिचय? जी, मेरा नाम सुरेश है, मैं भी न्यू दिल्ली डायरी में काम करता हूँ। मैंने तो सोचा था कि वीके खुद आएगा, लेकिन नहीं आया। बेचारा अब तक उसी छोटी सी गलतफहमी का शिकार है। हम लोग तो भूल भी चुके हैं, पर शायद वीके को अभी तक याद है। 5-6 साल पुरानी बात है, उस पर पागलपन का एक गहरा दौरा पड़ा था। बस उसी वक्त हम लोगों के बीच कुछ मामूली सी नोकझोंक हो गई थी। खैर, ये सब तो होता ही रहता है, लेकिन एक बात मानी पड़ेगी कि तुम्हारा भाई सचमुच कमाल का आदमी है, वरना इतने कम वक्त में इतनी ज्यादा तरक्की कर लेना कोई आसान काम नहीं है। मेरे ख्याल से न्यू दिल्ली डायरी आजकल सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में है। जी हाँ भाई, आज इंटरव्यू जरा मुश्किल है, नया नया पद संभाला है, इसलिए कहने के लिए कोई खास बात नहीं है।
और जो खास बातें कहनी है वो हम सिर्फ वीके से ही कहना चाहेंगे। हालांकि वीके ने हमें नहीं बुलाया, लेकिन उससे ये कह देना कि अगले हफ्ते हम खुद उससे मिलने आएंगे और फिर जमकर बातें होंगी। क्यों शंकर जी, आपस की बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन ये विश्वनाथ कौन है भाई? वो तो बिल्कुल जादूगर है, कोई भी हादसा हो सबसे पहले पहुंचता है और खबर को ऐसे ढंग से पेश करता है कि पढ़ने वाला हैरान हो जाए। मेरे ख्याल से न्यू दिल्ली डायरी सिर्फ विश्वनाथ की वजह से चल रहा है। तुम लोग तो उसे अच्छी तरह जानते होगे, कौन है ये विश्वनाथ? सर उसे कोई नहीं जानता, हम लोग भी नहीं। अच्छा हम चलते हैं। जरा ठहरिए किशन सिंह। ये फल मेरी तरफ से वीके की महान सफलता पर और उससे भी ज्यादा विश्वनाथ की। थैंक यू। शर्मा जी की तरफ से भैया के लिए तोहफा। और क्या कह रहे थे वो? भैया की बहुत तारीफ कर रहे थे, अगले हफ्ते वो भैया से मिलने आएंगे। और पूछ रहे थे कि ये विश्वनाथ कौन है। शर्म से हमारी गर्दन झुक गई, आखिर कौन है ये विश्वनाथ? बात बहाने की कोशिश मत करो, बताओ कौन है ये विश्वनाथ? क्यों, जलन हो रही है उससे? नहीं, हमारे मन में किसी के लिए भी कोई जलन नहीं है, लेकिन हम जहाँ भी इंटरव्यू लेने जाते हैं लोग हमारा इंटरव्यू ले लेते हैं, नाक कट जाती है हमारी। इसमें नाक कटने की क्या बात है? बात तो सचमुच डूब मरने की है। देखिए मैडम, हम सब एक ही अखबार में काम करते हैं, हर एक आदमी हर एक को जानता है, बस हम ही हैं जो नहीं जानते विश्वनाथ को। अगर जान भी लोगे तो क्या होगा? शायद हमें अपने आप को पहचानने का मौका मिल जाए, हम अपनी खामियां दूर कर सकें। बात तुम्हारी ठीक है सुरेश, लेकिन मैं क्या करूं? खुद विश्वनाथ ये नहीं चाहता कि उसका रहस्य सबको मालूम हो जाए। मैं समझ गया आखिर विश्वनाथ क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम बेवकूफों की तरह देश बंधु और शंकर जैसे फालतू लोगों के इंटरव्यू लेते रहें, और वो हमारे अखबार के पहले पन्ने पर अपनी हुकूमत चलाता रहे। सुरेश, मुझसे ये सब कहने की जरूरत नहीं, वीके साहब से बात करो। All right, you take this as a challenge। जो काम मैं तुम दोनों को सौंप रहा हूँ वो बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है। सर हम लोग तो तड़प रहे हैं खतरों से खेलने के लिए, बोलिए क्या करना है? कल अंगोलिया के राजा सर बेनेडिक्ट निकोलस हिंदुस्तान की सरकारी यात्रा पर आ रहे हैं। अंगोलिया के कुछ क्रांतिकारी दल उनकी जान के दुश्मन हैं। उनमें से कुछ आतंकवादी हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया है। न कोई उनसे मिल सकता है न इंटरव्यू ले सकता है, अखबार वाले भी अंदर नहीं घुस सकते। अब तुम उनके फोटो और इंटरव्यू ला सको तो कमाल हो जाए। तुम दोनों के अलावा मैं एक हस्ती को और भेजूंगा, विश्वनाथ। वो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है ना, तो जाओ मुकाबला करो। अब देखते हैं इस मुकाबले में जीत किसकी होती है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सर। सुनो जी, ये लो अंगोले के राजा का प्रोग्राम चार्ट। वीके, देश बंधु और शंकर ने ये फल भेजे हैं। एक बात पूछूं, ये अंगोलिया के राजा का क्या चक्कर है? बहुत बड़ा, वो ऊपर से हिंदुस्तान का दोस्त है लेकिन अंदर से सबसे बड़ा दुश्मन। मुझे मालूम हुआ है कि देश बंधु शर्मा और शंकर भी उससे मिले हुए हैं। ये बात सरकार तक लाना बहुत जरूरी है। जहां तक हो सके खून खराबा मत करना वीके। तुम जा सकती हो मरिया। और सुनो, इसे भी लेते जाओ। कार तो स्पीड से जा रही है,
एथलीट लगता है। अंगोलिया देश में सभी लोग इसी स्पीड से चलते हैं। गाड़ी तेज चलाओ। फोटो जल्दी खींचो। ही अंदर नहीं जाने देंगे। कोशिश तो करके देखते हैं हम। वी आर फ्रॉम न्यू दिल्ली डायरी। नहीं, कोई अंदर नहीं जा सकता, स्पेशली प्रेस पीपल। दिस इज माय आइडेंटिटी कार्ड। सॉरी मैडम, वी कांट डू एनीथिंग। सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। सॉरी। कुछ भी आज हमें करना पड़े, हम इंटरव्यू फोटोग्राफ्स लेके रहेंगे। कैसे? यहाँ से तो चलो बताती हूँ। सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग है यहाँ, बी केयरफुल। डोंट वरी सुरेश। हैरियत। मैं सिस्टर अल्फोंजा, मैं यहाँ की सिस्टर हूँ। जाइए। थैंक यू। ठहरिए, अब चर्च के अंदर कोई नहीं जा सकता। मैं यहाँ बुके देने के लिए आई हूँ। थैंक यू।
किडनैप कर लिया है। मैंने जान पर खेलकर सारी तस्वीरें ले ली हैं। सॉरी, आप लोग पूरे 15 मिनट देर से आए हैं। अंगोलिया का राजा मार दिया गया है उसी गाड़ी में जिसमें उसे उठाया गया था। पुलिस को उसकी लाश सड़क पर पड़ी मिली। विश्वनाथ जल्दी में फोटो नहीं ले सका, तुम ये नेगेटिव मुझे दे दो, मैं शाम के संस्करण में छाप दूंगा। हम मान गए तुम्हारी पसंद को। हिंदुस्तान के सभी जाने माने पत्रकारों को अपने यहां इकट्ठा कर रखा है, लेकिन ये विश्वनाथ कौन है? ये एक राज की बात है। हर धंधे में कोई ना कोई राज होता है। इसी तरह विश्वनाथ भी हमारे अखबार का सबसे बड़ा रहस्य है। आइए। हाय मरिया। मरिया ये, अरे आपने इन्हें पहचाना नहीं? ये मरिया है, अपनी मरिया, न्यू दिल्ली डायरी की आत्मा। हाँ हाँ, भीड़ भाड़ में देखा तो था लेकिन गौर नहीं किया। लेकिन मैंने गौर किया था। आइए आइए, आगे भी काफी चीजें गौर करने लायक। वाह वाह, बहुत ही आधुनिक मशीन है। जी हाँ, ये वाईफेक ऑफसेट मशीन स्विट्जरलैंड की बनी हुई है। 1 घंटे में 60,000 कॉपी छाप सकती है। देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग एडिशन पब्लिश करना ये पुरानी थ्योरी है। हमारे अखबार की ऑल इंडिया छपाई यहीं से होगी, मेरे निर्देशन में। मिस नायर, ये क्या है बंधु? एक छोटी सी प्रार्थना, आप हमारे इस नए प्रेस का उद्घाटन करें।
भाई तुम कोई ना कोई चमत्कार करते ही रहते हो और तुम्हारे हर चमत्कार को हमारा नमस्कार। आइए स्विच वहां पर है, आइए आइए। ये रहा स्विच। आज से यहाँ छपाई शुरू होगी? जी नहीं, आज तो सिर्फ आप दोनों के हाथों शुरुआत है। केंद्रीय मंत्री शंकर बाबू कल को प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। जनसेवा पार्टी के अध्यक्ष श्री देशबंधु शर्मा भारत के राष्ट्रपति। आज तो सिर्फ उद्घाटन है, छपाई तो उसी दिन शुरू होगी जब कोई बहुत बड़ी खबर आप दोनों के महान वजूद के साथ मेल खा सके। वो शुभ दिन कब आएगा? बहुत जल्द, हमें भी उसी दिन का इंतजार है। ये रहा बटन, प्रेस करिए ना। आइए। हमारी सारी हार्दिक शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें किसी बात का डर नहीं है। वीके जो हमारे साथ है अब वही होगा जो हम चाहेंगे, क्यों वीके? अच्छा मैं चलता हूँ। जरा रुको सुरेश, वो लोग क्या सोचेंगे? अभी मुश्किल से आधा घंटा और है। तुम बोर हो रहे हो ना, थोड़ी देर रुको, मैं अभी आती हूँ, फिर हम एक साथ चलेंगे। आइए ना भाई। गलतियां तो हमने बहुत की हैं, लेकिन ये तुम्हारी दरिया दिली है कि तुमने हमें माफ कर दिया। वीके माफ कर दिया ना? अरे शर्मा जी ये क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा। यहाँ कौन देखने वाला है हम लोगों के अलावा? वीके, we have decided to compensate for all the wrongdoings। शर्मा जी बिल्कुल, छोटी से छोटी गलती का हम बड़े से बड़ा मुआवजा देंगे। तुम्हें चुनाव जितवाकर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का मिनिस्टर बना देंगे। तुम्हें इतना बड़ा बना देंगे कि तुम अपने आप को भी नहीं पहचान पाओगे। सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको बड़ा बनना है। आपके पास कुर्सी की ताकत है और मेरे पास कलम की, अब दोनों मिलकर बन गई है महाशक्ति जिसके सामने सभी झुकेंगे। करेक्ट, विल बी ऑल पावरफुल। भाई कहते ये हैं कि दोस्तों में कोई राज नहीं रखना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें एक टॉप सीक्रेट बताना चाहता हूं। बता दूं शंकर? श्योर, वीके इज अवर फ्रेंड। चीयर्स फॉर द डे। चीयर्स। वीके, कल मैं चुपचाप दिल्ली छोड़कर नैनीताल जा रहा हूं। चुनाव करीब आ गए हैं ना, इसलिए उम्मीदवारों की लिस्ट बनानी है। इस भीड़ भाड़ में तो यहां कुछ हो नहीं सकता, इसलिए शांति से वहां बनाऊंगा, लिस्ट बनाकर तुम्हें दूंगा, ताकि हमारे उम्मीदवारों का नाम सबसे पहले न्यू दिल्ली डायरी में छपे, हंगामा हो जाए। वीके, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हमारे पक्ष में है। वी आर श्योर टू विन द इलेक्शंस। एनी डाउट? ओह नो, तुम्हारे अलावा, मेरा मतलब है हमारे अलावा कोई इलेक्शन जीत ही नहीं सकता। बस एक बार हम चुनाव और जीत जाए, फिर देखना क्या जश्न होते हैं, क्या जलवे होते हैं हम लोगों के। और ये शंकर है ना अपना शंकर, देख लेना एक दिन ये लाल किले से भाषण देगा। रेड फोर्ट या बेड फोर्ट, हम एक हैं, वी आर वन। हाँ हाँ, हम एक हैं, अब हमें मौत के अलावा कोई जुदा नहीं कर सकता। बस तुम्हारी यही बुरी आदत है, तुम हर वक्त भैया पर शक करते रहते हो। हाँ हाँ, मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। देखो सुरेश, जर्नलिज्म के बारे में हम लोग जानते ही क्या है, सच पूछो तो हम लोग अभी नादान है, ना समझ है। ये तुम बात बात में हम क्यों कर रही हो, सिर्फ अपनी बात करो। तुम नादान भी हो और ना समझ भी। उमा, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है उसे तो कोई बच्चा भी समझ सकता है। वीके साहब की उंगलियों पर, जुबान में, चेहरे पर उनके रोम रोम में मौत नाच रही है। उनके दुश्मन एक एक करके कम हो रहे हैं और अखबार की बिक्री बढ़ रही है। सबसे पहले गया जस्टिस अग्रवाल और अब जाएगा देशबंधु शर्मा। सुरेश। हाँ उमा, मौत का फरिश्ता सब जगह उसका पीछा कर रहा है। तुम देख लेना उमा, देशबंधु शर्मा नैनीताल से जिंदा वापस नहीं आएगा। एक हफ्ते की छुट्टी पर मैं नैनीताल जा रहा हूं, वहां शायद मैं उस खौफनाक हकीकत को देख सकूं जिसे सब लोग वहम कहते हैं। सुरेश, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं उमा, इसलिए दिल की हर बात बता दी है। मुझे विश्वास है चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम तुम
मुझे अपने आप से अलग नहीं करोगी। किसी को पता नहीं चले कि मैं नैनीताल में हूं, यहां के लोगों को भी नहीं, और काम पूरा होते ही फौरन मेरे पास चले आना। जाओ। आइए। मैं यहीं रुक जाऊं? नहीं, राम सिंह का? राम सिंह तो अपने क्वार्टर में गया, आपको कुछ चाहिए सर? राम सिंह से कह दो मुझे सुबह 5 बजे उठा दे चाय के साथ। ठीक है सर। जाओ। कौन है? मैं पूछता हूं कौन है? अबे बोल कौन है? विष्णु। विष्णु?
जय हिंद साहब। कौन हो तुम लोग? हम लोगों को वीके साहब ने भेजा सर। अच्छा अच्छा, न्यू दिल्ली डायरी से आए हो? जी। लेकिन इतनी रात गए? सर नैनीताल आते आते इतनी देर हो गई। बात क्या? वीके साहब ने अनूप जलोटा की गजलें भिजवाई हैं। कह रहे थे आपको बहुत पसंद है। हाँ हाँ, गजलें तो मुझे बहुत पसंद है। रख दो वहां। जी। नमस्कार देशबंधु शर्मा। नमस्कार। तुम समझ रहे थे कि मैं सब कुछ भूल गया? साले कुत्ते कमीने। उठने से पहले पूरी बात तो सुन लो, बैठ जाओ चुपचाप। ये उन दिनों की बात है जब तू वक्त का बादशाह था और मैं एक मामूली सा भिखारी, बिना किसी गलती के, बिना किसी गुनाह के, तूने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, मुझे पागलखाने भिजवाया, फिर सालों तक जेल में सड़ाया। मुझे सब कुछ माफ कर देना चाहिए ना? नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। अच्छी तरह जानता है कि बिजली का झटका सिर्फ पागलों को दिया जाता है, लेकिन तू ये नहीं जानता कि अगर मेरे जैसे या तेरे जैसों को शौक दिया जाए तो आदाब की तकलीफ होती है। एक दिन तूने पूछा था कि तेरे बारे में मेरे अखबार में कब छपेगा। कल ये खबर छपेगी, कल सुबह तक तू एक सनसनीखेज खबर बन जाएगा। सुबह की सुर्खी इसी रात को सुन ले, देश बंधु शर्मा शॉट डेड, देशबंधु शर्मा की नृशंस हत्या। लेकिन पूरी तरह मरने से पहले ये तो समझ ले कि पल पल मरना क्या होता है। अचानक आपने देशबंधु जी की हत्या की खबर सुनी तो आपको कैसा लगा? सुन के मुझे विश्वास नहीं हुआ। उनके बिना मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। उनका अंतिम संस्कार कहां होगा? नई दिल्ली में या? नहीं, उनके गांव रामपुर में। उनके नाते रिश्तेदार भी वहीं हैं। मृत शरीर को आज शाम नैनीताल से लाया जाएगा, फिर उसे रामपुर तक हवाई जहाज से ले जाएंगे। शंकर जी, इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? माफ कीजिए, इस वक्त मैं ज्यादा बातचीत करने के मूड में नहीं हूं, प्लीज। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। सर आपका फोन। एक्सक्यूज मी। जरूर। हेलो, शंकर हियर। शंकर, मैं वीके बोल रहा हूं। वीके, मैं तो ये खबर पाकर टूट ही गया। दुख की इस घड़ी में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। प्लीज आ जाइए, आपको देखकर शांति मिलेगी। प्लीज कम। मेरा तो नसीब ही खराब है शंकर, सब कुछ भूलकर हम तीनों दोस्त बने। मगर देखो ऊपर वाले की लीला, हमारा सबसे प्यारा दोस्त हमसे बिछड़ गया। अब मेरी तुमसे एक ही विनती है, प्लीज ना मत कहना। बोलिए। उनके अंतिम संस्कार का सारा खर्चा मैं उठाना चाहता हूं, बस यही मेरी उस महान आत्मा के लिए श्रद्धांजलि होगी। ठीक है, ओके। Thank you.
हेलो वीके साहब बोल रहा हूँ। सर उसने सब कुछ देख लिया है, तस्वीरें भी ले ली हैं और आपका टेप रिकॉर्डर भी। किसने, कौन है वो? सुरेश, जो न्यू दिल्ली डायरी में काम करता है। सुरेश, ये तुम कैसे कह सकते हो कि वो सुरेश ही है? वो सुरेश ही है, हम लोग बराबर उसका पीछा कर रहे हैं और ये बात वो जानता भी है। बोलिए क्या करें सर? सुरेश को जान से मार डालें, हर हालत में नेगेटिव्स और टेप का मिलना बहुत जरूरी है। मैंने सब कुछ देख लिया है, विष्णु और उसके साथियों ने देशबंधु की हत्या की है, वो सब वीके साहब के साथ जेल में थे। तुमने हत्या की तस्वीरें ले ली है ना? उमा तुम ये कैसे जानती हो? कोई सवाल मत पूछो सुरेश, मुझे भी सब कुछ मालूम हो गया है। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो सुरेश तुम्हारी जान को खतरा है, फौरन कहीं छुप जाओ। उमा इसके पीछे वीके साहब ही है ना? कुछ मत पूछो सुरेश, अपनी जान बचाओ। बोलो रोमा।
विश्वनाथ। क्या बात है? इनसे पूछो मारिया, यही है विश्वनाथ, हत्यारा विश्वनाथ यही है। उमा, तुम जिसका खून करना चाहो करो, लेकिन सुरेश को अगर कुछ हो गया तो उमा चिल्लाकर मुझे डराने की कोशिश मत करो। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा अत्याचार खत्म कर दूंगी। हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन, हेलो, हेलो, हेलो पुलिस स्टेशन। वीके, वीके, ये आप क्या कर रहे हैं? मत रो, कोई नहीं, ये आदमी नहीं, जानवर है। मार डालो मुझे, मार डालो। होश में आओ माँ, होश में आओ। तुम चुप बैठो, ये सबको मार डालेंगे। इन्होंने देश बंधु को मार दिया, सुरेश ने अपनी आंखों से देखा, इसीलिए उसे भी मार डालेंगे। उमा, मैंने अपने कानों से सुना, इन्होंने किसी से फोन पर कहा सुरेश को मार दो। अब तक वो सुरेश को मार भी चुके होंगे। ये इंसान नहीं, हैवान है, ऐसा दरिंदा है जो जीते जागते इंसानों को खा जाता है, खा जाता है, खा जाता है, खा जाता है। उमा जो कुछ कह रही है क्या वो सच है? ठहरिए, आपने अभी तक जो कुछ भी किया वो सब मुझे मालूम है, लेकिन आप इस हद तक गिर जाएंगे ये मैंने सोचा भी ना था। आखिर किसके लिए कर रहे हैं आप ये सब? मेरे लिए? प्लीज नो, उमा को भी धन दौलत नहीं चाहिए। आज आपने सुरेश को मौत की सजा सुनाकर मातम की शहनाई बजा दी। आप शायद नहीं जानते, उमा सुरेश को प्यार करती है। मरिया? हाँ, और वो दोनों आपसे आशीर्वाद पाने का सपना भी देख रहे हैं। अगर आप में जरा सी भी इंसानियत है तो सुरेश को मरने से बचा लीजिए। प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अपनी बहन की मांग भरने से पहले उसे मत उजाड़िए, सुरेश को बचा लीजिए, बचा लीजिए सुरेश को। ले चलो,
इसका वसूल बहुत जरूरी है। लेकिन सर सुना नहीं तुमने? कम ऑन। ओके भर में होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। मुझे कोई नहीं समझ सका, तुम भी नहीं। तुम समझती हो कि मैं इंसान नहीं हूं, उमा समझती है कि मैं सिर्फ हैवान हूं। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले मैं तुम दोनों को खत्म कर देता, ताकि मेरे सारे राज खत्म हो जाते और मैं ऐश की जिंदगी गुजारता। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उमा मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरा सब कुछ है। और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहन की मांग का सिंदूर बच गया। क्या? हाँ, सुरेश जिंदा है और सही सलामत है। मैंने जो कुछ भी कमाया उमा के लिए और तुम्हारे लिए, मैंने जो कुछ भी किया मेरी और तुम्हारी बदले की आग बुझाने के लिए, जब मैंने इस आग से खेलना शुरू किया था मैं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन यह कभी नहीं सोचा था कि किसी मासूम पर भी आंच आ सकती है। अभी एक काम बाकी है, एक और शैतान बचा हुआ है, उसे खत्म करके हमेशा हमेशा के लिए मैं अगर यह काम अधूरा रह गया तो वो शैतान बच जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी उमा की और मेरी तुम्हारी जिंदगी दुभर हो जाएगी। मरिया, मैं नहीं जानता
कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए बड़ी ऊंची जगह है। देशबंधु शर्मा, तुम समझ रहे थे कि मैं सब कुछ भूल गया, साले कुत्ते कमीने। ये उन दिनों की बात है जब तू वक्त का बादशाह था और मैं एक मामूली सा भिखारी। बिना किसी गलती के, बिना किसी गुनाह के तूने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए, मुझे पागल खाने भिजवाया, फिर सालों तक जेल में सड़ाया। मुझे सब कुछ माफ कर देना चाहिए ना? नहीं, मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता हराम दादे। यस, कम इन। सर, इस कैमरे से जो नेगेटिव्स निकले उनके ही प्रिंट्स हैं। हेलो, पुलिस हेडक्वार्टर्स। मिस्टर नायर। यस सर। इसे प्रिंटिंग में दे दो। राइट सर। ऐसा लगता है एक बिजली फेल हो गई है। तुम उधर जाओ। भागे हुए दो कैदी हो, तुम्हारे इस हत्याकांड के पीछे कौन है? सच्चाई तो मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। बोलो कौन है वो, बोलो कौन है वो। अगर सच बोल दोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूं, जस्ट 2 मिनट्स। उमा,
सुरेश मारिया मेरा सुरेश सुरेश जिंदा है क्या ये सच है हाँ और वो बिल्कुल ठीक है मैं भी उनसे अभी नहीं उमा डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है तुम कल सुबह उससे मिल लेना मैं प्रेस जा रही हूँ अपना ख्याल रखना उमा उमा पुलिस आ गई है अब क्या होगा वो विकी के बारे में पूछेंगे तुम कुछ मत बताना और ये भी नहीं कि मैं यहाँ हूँ सब जगह से तलाश कराओ वीके कहाँ है यहाँ नहीं है मारिया फर्नांडिस कहाँ है वो भी यहाँ नहीं है वो दोनों कहाँ गए बोलो मुझे नहीं मालूम तुम जाकर तलाश करो मेरा कसूर क्या है केंद्रीय मंत्री शंकर बाबू की हत्या के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है यस आई हैव किल्ड हिम मैंने उसे मारा है मैंने उसकी हत्या की है आई हैव शॉट हिम मैंने उसे मारा है कैबिनेट मिनिस्टर शंकर शॉट डेड ऑल द डिटेल्स आर हियर केंद्रीय मंत्री शंकर की निशंक हत्या कैबिनेट मिनिस्टर शंकर शॉट डेड ऑल द डिटेल्स आर हियर कैबिनेट मिनिस्टर शंकर शॉट डेड कैबिनेट मिनिस्टर शंकर मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं अरेस्ट हिम गॉड विश्वनाथ मुझे मारने के लिए तुम्हें एक और जन्म लेना पड़ेगा तुझे मारने के लिए एक जन्म तो क्या 100 जन्म भी लेने पड़े तो वो भी करूंगा और अगर जेल गया तो वापस आकर मारूंगा और अगर मैं मर गया तो दोबारा जन्म लेकर तुझे मारूंगा